आप अपने घरों में अपनाइए वो होता है टेक्नोलॉजिकल कर्फ्यू, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कर्फ्यू। ये होता है कि जब आप शाम को सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं, उस वक्त ये रूल बनाइए कि खाने के टाइम जब हम खाना खाते हैं, हम अपने सारे मोबाइल फोन जिसके पास है वो बंद करके दूर रखेंगे, ना हम उसको डाइनिंग जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ रखेंगे, ना वहाँ रखेंगे जहाँ हम सोते हैं। अक्सर लोग अपने जहाँ सोते हैं अपने सरहाने पे मोबाइल रखते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल कर्फ्यू में ये कहा जाता है कि भाई आप टेक फ्री जोन्स बना दीजिए घर में, वो ऐसे कमरे बनाइए जहाँ पे मोबाइल जो है अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किचन में जब आप खाने खाना जा रहे हैं तो वहाँ मोबाइल मत ले लीजिए। जब आप सोने जाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ मोबाइल मत ले लीजिए। और इस वजह से क्योंकि आप जब अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद आप सोते हैं, आपका जो सोने का तरीका है, पैटर्न है, वो भी ठीक नहीं रहेगा। आपको बुरे ख्वाब आ सकते हैं, आप अच्छी तरह सो नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जो मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है एक तो वो, और जो मोबाइल से जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरह सोने नहीं देंगे, क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, और वो हार्मोन जो है उसमें डिस्टर्बेंसेस आती है अगर आप रेडिएशन वगैरह मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। साइंस ने ये कहा, उसी साइंस ने जिसने मोबाइल भी इजाद किया, वही साइंस आज हमें बता रहा है कि मोबाइल फोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं, खसूसन जो बच्चे हैं। तो बच्चों को बहुत एहतियात से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बड़ों से ये भी बताना चाहिए कि आप ना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे हमें भी एक ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी ऐसा करें। और शाम को वो कहते हैं ना, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो लोग इकट्ठा खाना खाते हैं, जो फैमिली एक ही दस्तरखान पे खाते हैं, वो फैमिली जुड़ी रहती है, वहाँ तजाद कम होता है, तनाव कम होता है, लड़ाइयाँ कम होती है, वो बहुत ही यूनाइटेड रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि खाना सब लोग इकट्ठे एक ही दस्तरखान पे खाएं, और उस वक्त ये कोशिश करें कि मोबाइल हम उस जगह ला लाएं, मोबाइल्स को बंद करें, टेक्नोलॉजिकल कर्फ्यू हम इम्पोज करें। कर्फ्यू में क्या होता है, बाहर नहीं निकलना है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको भी वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। और 20-20-20 का रूल बनाइए, अपना दिन में सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट जो है फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद उसको बंद कीजिए, और बंद करने के एक ब्रेक के बाद अपने इर्द गिर्द के जो आपका एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उनको देख लीजिए, उनको उन पे सोचिए, और उनके लिए अल्लाह मियाँ से शुक्र कीजिए। और इस्पेशली आप जहाँ रहते हैं, काश हम भी ऐसी जगह पे रहते, हम इतने खुश नसीब होते, लेकिन हम जहाँ से आते हैं वहाँ पहाड़ इतने नज़दीक नहीं है और इतना अच्छा माहौल नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने आपको बहुत खुश नसीब बनाया है, आपके इतने अच्छे टीचर्स हैं, जावेद साहब हैं, ये सब टीचर्स हैं, ये आप पे इतना काम कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन इस वक्त आपके लिए शायद एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपको अपनी राह से शायद भटका देगा, तो उसको उसका इस्तेमाल करना है लेकिन बहुत ही महदूद तरीके से करना है। मैंने कहाँ पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, और सबसे बड़ी जो अनबिलीवेबल बहुत सारे लोगों के लिए स्टोरी है कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट की थी। मुझे याद है कि डाउनटाउन में हम रहते थे, शहर के एक अंदरून शहर में, पुराना शहर है, वहाँ हम रहते थे। तो इनिशियली जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मेरी दादी जो थी अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, उसने मुझे एक दिन हाथ थाम कर एक नज़दीकी स्कूल में लिया, और वहाँ जो टीचर्स थे उनको कहा, वहाँ कुछ पंडित टीचर्स थी उन दिनों, उनको कहा इसको इच्छा कर एडमिशन करो। तो जब तक एडमिशन प्रॉपर हुआ तब तक 3-4 साल चले गए, और मेरी जो फॉर्मेटिव स्कूलिंग है उसी गवर्नमेंट स्कूल में हो गई। और 4-5 साल के बाद मेरे वालदैन को थोड़ा सा एक शायद होश आ गया,
वो क्यों होस्ट इतनी देर से आ गए उसकी एक अलग कहानी है, वो कभी बताऊंगी। तो उनके उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिशन जो है एक प्राइवेट स्कूल में किया, लेकिन जो मेरे वो 4-5 साल थे, अलिफ बे 1-2-3 ABC भी बाकी सारी चीज़ यूच में गवर्नमेंट स्कूल हिच में तितरस तौर वरी दी मैं तय उसमें उन बचपन सुगन्युक स्टेज उस वो मैंने वहाँ ही गुजारा है। उसके बाद मैं फिर एक प्राइवेट स्कूल में गई, मैंने किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा है, मैंने एक मामूली से आम स्कूल में पढ़ा है और मुझे फ़ख्र है मैंने उस स्कूल में पढ़ा है।